सो हे गाइस वेलकम। और आज हम करेंगे स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स। तो स्ट्रक्चर का फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो क्रिएट अ स्ट्रक्चर विच होल्ड्स वेरियस एट्रीब्यूट्स जैसे नेम, आईडी, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और टोटल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। राइट अ प्रोग्राम विच अलाउज यू टू स्कैन दिस एक्सेप्ट टोटल सैलरी एट्रीब्यूट्स फॉर थ्री एम्प्लॉयज। तीन के लिए स्कैन करना है और प्रोग्राम शुड सपोर्ट फॉलोइंग ऑपरेशंस। डिस्प्ले करना है टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज और मैक्सिमम जिसकी सैलरी मैक्सिमम है उसका नाम डिस्प्ले करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्ट और मैं बना देता हूँ एम्प्लॉय। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में पहला क्या आएगा, नेम आएगा। तो नेम के लिए कैर नेम 20 और उसके बाद आईडी। आईडी हमारी इंट में होती है। आईडी एक नंबर होता है जैसे कि 3, 2, 4, 6 और मतलब बेसिकली वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय होता है जो कंपनी स्टार्ट होने के बाद आया हो या हम वो अज्यूम कर रहे इधर। फिर बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी जो है वो हम फ्लोट पे लेंगे क्योंकि बेसिक सैलरी फ्लोट में हो सकती है, इंडिया में तो बाहर भी हो सकती है किसी की। तो फ्लोट में लेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद डी ए एच आर ए हम लेंगे आईडी में लेंगे या फिर फ्लोट में लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आईडी के साथ ही ले लेते हैं। चलो DA HRA और टोटल सैलरी फ्लोट में होगी। टोटल सैलरी ये हो गया। इसके बाद मैं एक टाइप टेस्ट लगे लगाऊंगा। तो क्या होगा कि जो एक्सेस करना है हमारा स्ट्रक्ट को वो ईजी हो जाएगा। और टाइप टेस्ट में लगाऊंगा EMP। और मेन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेन में मैं स्ट्रक्ट बनाऊंगा EMP E3 करके। और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद एक फॉर लूप लगाऊंगा। हमें तीन के लिए चाहिए तो फॉर लूप में कर लेंगे I3 से। और क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट एफ और एंटर डबल एंटर एम्प्लॉय नेम या फिर एंटर एंड परसेंट डी करें तो अच्छा लगेगा। एंड परसेंट डी और इसके साथ क्या करेंगे, इधर सिलेक्शन इधर आई प्लस वन हो गया। इसके साथ क्या करेंगे, गेटेस्ट क्या करेंगे EFI.name को। और ये हो गया। और अभी एक प्रॉब्लम आती है इधर, मतलब इधर हम देखो मैं कहता हूँ आपको थोड़ी देर में, प्रिंट एफ करेंगे हम एंटर बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी के बाद बेसिक सैलरी एंड परसेंट एफ में लेंगे हम बेसिक फ्लोट है और 10% एफ एड्रेस ऑफ EFI डॉट बेसिक सैलरी। और अभी मैं इसी को एडजस्ट कर लेता हूँ और इधर क्या रखूँगा, DA परसेंटेज HRE। और अब क्या होता है, अभी ये स्कैन कर लेगा सब कुछ। पर अगर ये इसमें हमने तीन बार स्कैन एफ लिखा है तो बहुत से कंपनी में हो सकता है कि ये अगर दूसरी बार लूप में आए तो ये ग्रेटेस्ट सुना ले। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ्लश कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे स्टैंडर्ड इन। और उसके लिए हम एक हेडर फाइल भी ले लेंगे स्टैंडर्ड LAB। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमें टोटल सैलरी पूछी है। ठीक है, टोटल सैलरी हमको निकालनी है क्योंकि हमको स्कैन नहीं करना था। तो उसके लिए फिर से लूप, और लुक में क्या करेंगे, लुक में करेंगे EFI डॉट टोटल
सैलरी इज इक्वल्स टू में क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू में करेंगे कि जो बेसिक सैलरी है प्लस टी ए टाइम्स बेसिक सैलरी प्लस एच आई टाइम्स बेसिक सैलरी, तो क्या होगा ई ऑफ आई डॉट बेसिक सैलरी प्लस अब क्या होगा ई ऑफ आई डॉट डी ए इंटू ई ऑफ आई डॉट बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया। इसी के साथ हम इसको कॉपी करके लिख लेंगे बीच में बस, और इधर डी ए की जगह एच आर, और ये हमारे पास इंट में आएगा, तो मैं इधर टाइप कन्वर्जन भी यूज़ कर देता हूँ। टोटल सैलरी काउंट हो जाएगी इसमें, तो बेसिक सैलरी प्लस फ्लोर ऑफ ये टी टू बेसिक सैलरी अपन 100 और एच आर एन टू बेसिक सैलरी अपन 100, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमें मैक्स फाइंड करना है जिसकी सैलरी मैक्स होगी, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे फिर से फॉर लूप, फॉर लूप प्लस, आप चाहो तो ये सब सभी फॉर लूप एक साथ ही लिख सकते हो, लेकिन मतलब मैं ऐसे रिकॉर्ड किया पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। थ्री और वो काउंट करके क्या करेंगे, इफ लगाएंगे इफ के इज लेस देन टी ऑफ आई डॉट टोटल सैलरी, तो क्या होगा, तो के को मिल जाएगी ई ऑफ आई डॉट टोटल सैलरी, ये हो गया हमारे पास। और के भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो इधर फ्लोट के जीरो, ये हो गया। और अब हम करेंगे प्रिंटिंग वाला पार्ट, तो प्रिंटिंग में पहले क्या करना है, पहले टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, तो मैं इधर से फॉर लूप कॉपी कर रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ और प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे employees salary percent is percent f, और ये हो गया। इसके बाद i plus 1 हो गया, और वो क्या हो गया i सैलरी, ये हमने सैलरी ऑफ एंटिटी एम्प्लॉय की करी, और टोटल सैलरी हो जाएगी इसमें टोटल सैलरी एन परसेंट एफ हो गया, ओके इधर एन परसेंट पॉइंट टू एफ भी कर सकते हैं अगर करना हो तो, अच्छा दिखेगा थोड़ा क्योंकि वो 6.2 वाली सैलरी अच्छी नहीं दिखती कुछ, मैं इसमें ये वाला फॉलो करूँगा। और इसमें क्या करूँगा, इसमें जो हाईएस्ट वाला नेम है वो करूँगा, वो कैसे करूँगा कि इफ के इज इक्वल्स टू ई आई डॉट टोटल सैलरी, तो प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या करो कि हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉई नेम परसेंटेज, और इसमें होगा ई आई, इसमें होगा ई आई डॉट नेम होगा, और एम्प्लॉय नेम ये तो नेम हो गया, तो हम करते हैं फंक्शन शो, और इसमें फ्लोट बेसिक फ्लोट सर, इसमें क्या ऐड लिखा है, ओके कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉय टोटल सैलरी, ओके सैलरी हो गया, बिल्ड हो गया हमारा, रन करते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय नेम मैंने रखा कुछ भी, एक एक से टू 33 वाई लिया 44
शेड लिया 22, तो देखो सही रेट होते हैं, थोड़ा रिडेबिलिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, सब सैलरी आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड की, और हाइयर सैलरी वाला बी है तो 44 बोला तो हाइयर से, और ये था हमारा प्रोग्राम, इसमें आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।